कैमरे के सामने खड़े होकर जितनी घबराहट नहीं हुई आज हो रही है यहाँ। यहाँ मैं 95-96 बैच से था, जो दूसरा बैच था शायद। पहले शुरुआत करी थी, करीब सालों कैमरा किया, उसके बाद अब NDTV में रिपोर्टर हैं। इस इंस्टीट्यूट के बारे में यही कहा जा सकता है कि जब हम दिल्ली आए थे तो बहुत ही छोटा सा शहर है कटिहार बिहार में। कभी नहीं सोचा था कि जहाँ भी खड़े हैं कभी खड़े होने का मौका मिलेगा। लेकिन क्रेडिट जाता है भटकर साहब को, जब पता किया कि कहाँ से कैमरे का कोर्स किया जा सकता है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में। तो भटकर साहब के पास आए तो पैसे भी नहीं थे बहुत ज़्यादा फीस देने के, 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में मैंने इनके पैसे दिए, और शायद सर को याद नहीं है, इनका 1000 रुपये आज भी मेरे ऊपर बाकी है। मैंने वो 1000 रुपये आज तक नहीं दिया इन्हें, और शायद इन्हें याद, उस वक्त याद नहीं रहा था। तो कोर्स करने के बाद किस्मत अच्छी रही कि शुरुआत NDTV से किया, पहले 6-8 महीने धक्के खाए बाहर फील्ड में, उसके बाद NDTV में एज ए कैमरा पर्सन ज्वाइन किया, काफ़ी साल कैसे कैमरा किया, उसके बाद लगा कि नहीं कुछ और करना चाहिए। तो कहते हैं ना ज़िंदगी की जब लोग स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो मैंने 32 साल की उम्र में अपना लाइन ही चेंज कर दिया। तो कहा जा सकता है कि अगर हम कहें बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, NCERC को अगर हम छोड़ दें जो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में माना जाता है, तो भटकर साहब का इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ 1 साल कोर्स किया है, और जहाँ भी आज खड़े हैं जो भी 4 लोग पहचानते हैं, तो क्रेडिट भटकर साहब को जाता है, इनके इंस्टीट्यूट को जाता है। तो 2 ही लाइन कहना चाहेंगे, ज़्यादा वक्त ना लें, कि जो भी करें ईमानदारी के साथ करें। अगर आप कैमरा कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं दिल लगा कर कीजिए। और ये सिर्फ बहाना है कि बाहर नौकरी नहीं मिलती, किसी के पहचान के बिना नौकरी नहीं मिलती, जब तक कोई पुल ना हो तब तक नौकरी नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो मौका ज़रूर मिलता है। और उम्मीद ये करते हैं कि जब आप लोग अपना अपना कोर्स ख़त्म करके निकलें, तो अपना स्तर इस स्तर पर हों जहाँ जब भी आप खड़े हों, चाहे लाइन 100 की क्यों ना हो, आपका नंबर आए और आपको नौकरी मिले। शुक्रिया।